हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि अगर आप अगले एक घंटे के लिए अपने आप को कंसंट्रेट रखते हैं, अभी एक मीटिंग में है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट रखते हैं और जो अभी सर के माध्यम से जो हम सबको जानकारी मिलेगी, जो हमको हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, अगर उसको आप ठीक से अमल करते हैं तो निश्चित रूप से आज का प्रोग्राम न केवल आपके बल्कि आपकी पूरी टीम के लोगों के टारगेट्स को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, हमारे बीच में हमारे कोर लीडर आदरणीय रत्नेश जैन सर आ चुके हैं। हम सब लोग अगर तैयार हों तो उनको इनवाइट करना चाहेंगे। एक बार हम प्री कॉल करेंगे, क्या हमारे बीच में रिस्पेक्टेड सर आप रेडी हैं? यस सर, यस सर। ओके ओके। तो दोस्त, हम विलंब नहीं करेंगे, आप सबसे हमारा पुनः आग्रह है, आपका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर रहे और हो सके तो अपने मोबाइल को इस प्रकार से आप लैंडस्केप में इस प्रकार से कर लें। ऐसे अक्सर लोग मोबाइल ऐसे खड़े हालत में रखते हैं, इसको ऐसे बेड़ा कर लीजिए ताकि आपको चीजें स्पष्ट दिखाई पड़े, आपकी फोटो अच्छी आए। अगर आप कहीं पर अच्छी जगह पर बैठे हैं, साफ सुथरी जगह पर बैठे हैं, ट्रेवलिंग में नहीं है, तो अपने कैमरा को ऑन रखें ताकि आपको बातचीत बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट के साथ आपको डायरेक्ट आपको मिल सके और चीजों को आप 100% आप अपने तक पहुंचने दें। तो हम आप सबकी ओर से एक प्रतिनिधि के रूप में आप सबकी ओर से हम गुरुदेव का वार्म वेलकम करते हैं। एक बार हम सभी लोग हाथ ऊपर करके मिल करके कैमरा ऑन करके और तालियां बजा करके इस जूम प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करते हैं रिस्पेक्टेड श्रीमान रत्नेश जैन साहब को कि प्लीज आए सर आज के प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, रजत जी और आपके आज के सभी हमारे आज के गेस्ट जो हैं और भविष्य के सभी डायमंड्स का मैं स्वागत करता हूं सर आज के प्रोग्राम के ऊपर में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम एक खास मकसद के यहाँ बैठे हुए हैं जिसका नाम है मिशन 2000 रॉयल्टी। जी हाँ साथियों, हम सभी जो है वो एक मिशन में काम कर रहे हैं और मिशन साथियों जो है वो जिंदगी बदलने का है, साथ ही साथ में नव भारत का निर्माण करने का। साथियों, हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों की आस बन करके इस देश में लोगों की उम्मीद को पूरा कर सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम भगवान ने हमें ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को लेने के बाद आप भगवान का एक बार जरूर शुक्रिया अदा करें कि आपके जीवन में आसम बिंस आया। साथियों, आपको जिंदगी ने मौका दिया कि आप कुछ कर सकें, आप ऐसा कुछ कर सकें जिसके माध्यम से न केवल आपका भला हो बल्कि इस देश के लोगों का भला हो, आपके आसपास के लोगों का भला हो। ये प्लेटफॉर्म साथियों में मिला हुआ है यहाँ पर और हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बिजनेस के माध्यम से एक बड़ा निर्णय करके जिंदगी में हम साथियों लोगों की मदद करने का काम कर सकें। साथियों, मेरा नाम रत्नेश कुमार जैन है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से शहर शुरुआत हुआ था, जगदलपुर से स्टार्ट किया और 21 साल पहले जब बिजनेस को मैंने जाना उस वक्त साथियों केवल इस बिजनेस को लेकर एक सोच थी आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की। मैं एक बार चाहूंगा साथियों आदरणीय टीसी के लिए एक बार शानदार तालियां होना चाहिए जिनके विचारों को देख करके साथियों हमने बिजनेस में कदम रखा। एक ही सोच थी टीसी जी की कि मैं उस बिजनेस का निर्माण कर रहा हूं जहां पर एक आम आदमी अपने सपनों को साथियों पूरा कर सके। तो ये आम आदमियों के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य सर ने बनाया था और साथियों हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी साथियों इस सिस्टम ने बदल डाली है। आप और हम उसमें से एक हो सकते हैं और आज मुझे मौका मिला है कि जिस जो कामयाबी साथियों सिस्टम से मुझे मिली है, जो कुछ हमने सीखा है, उसकी कुछ बातें आपसे मैं शेयर कर सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं आज के जो हमारे होस्ट हैं रजत जी का और आए हुए सभी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स का जिनकी इस वजह से साथियों हम इस बिजनेस में आज एक शानदार मुकाम पर हैं। और साथियों ये बिजनेस जो है अभी
पूरे दुनिया के अंदर में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने को तैयार है साथियों। आने वाले कुछ सालों के अंदर में हिंदुस्तान के महान साथियों आरसीएम का नाम साथियों जाना जाएगा और आप उसमें से एक व्यक्ति हो सकते हैं। हमें कुदरत ने मौका दिया है कि हम साथियों बिजनेस को ठीक से जान करके ठीक से समझ करके कुछ बेहतरीन काम करें। मैं साथियों आपसे अपने बारे में केवल इतने कहना चाहता हूँ कि मैं आज सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, आज भी हम कुछ सीख रहे हैं और साथियों अभी हमारा लक्ष्य खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी डायमंड तक जाना है और लगातार सीखना और सिखाना चलता रहेगा। आज कुछ बातें आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, उन बातों साथियों जो हमने अपने आदरणीय गुरुदेव से सीखा हुआ है। लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो महीना है सितंबर का महीना खास है और हम एक बात कह सकते हैं सितंबर खास है, रचना इतिहास है। जी हाँ साथियों, सितंबर खास है और रचना इतिहास है। इसके लिए सभी हमें एक बात समझ आनी चाहिए कि सितंबर महीने से साथियों वो सारे त्योहार चालू जाते हैं खुशियों के, जहां से पूरे देश में खुशियां आनी चालू जाती है और हम उस समय में बैठे हुए हैं जहां पे अगर हमने कुछ भी बड़ा फैसला कर लिया तो हम बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं साथियों। तो हमें मौका मिला है साथियों इस सितंबर को खास बनाने का, मिशन रॉयल्टी के मिशन में काम करने का, और लक्ष्य है हमारे पास में 2000 रॉयल्टी का साथियों। और इसमें कई सारे लोग लग चुके हैं रॉयल्टी में जाने के लिए, पिछले महीने कुछ लोगों ने बहुत जबरदस्त रॉयल्टी निकाली है और इस महीने भी हर दिन लोगों की रॉयल्टी साथियों निकलते जा रही है। तो मैं आपसे साथियों कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ, ऐसी कुछ बातें जो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता दिखाएगी। रजत जी मेरी स्क्रीन आ चुकी है आपके बीच में? यस सर, आ गई। ओके थैंक यू सर। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज एवरी डे 8 PM JRCM के साथ में, जहां पर हमने एक मिशन बनाया हुआ है। ये छोटा सा परिचय था, तो परिचय मेरा शुरुआत हुआ था सन 2002 में बिजनेस के अंदर में। बिजनेस में आने के पहले स्टूडेंट था, कुछ करने की चाहत थी, उम्मीदें बहुत कम थी इस देश के अंदर में, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुत ही सीमित रास्ते होते हैं। उस वक्त पर साथियों मुझे जानने का मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग का। शुरुआत में भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको स्टडी किया। मैंने अप्लाई ने मुझे बोला कि आप इसको स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद मैंने जब पाया कि सिस्टम साथियों वो सिस्टम है जहाँ पे कहा जाता है कि बाप कमाए बेटा खाए और पोता रहे आबाद, डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद। इसके मैंने कई उदाहरण साथियों मैंने देखे उस वक्त पर सन 2002 के अंदर में, जहां पे बातें होती थी कि ये सिस्टम जहां विदेशों से निकल करके आया है, जहां पर 50 साल सिस्टम काम कर रहा है, वहां पर साथियों जिंदगी बदली है लोगों की। और मैंने मुझे भरोसा था कि जिन बड़े राज्यों देशों की हम बात करते हैं, जिस बड़े देश का एग्जाम्पल हम लिया करते थे, हमने एक बात जाना कि जो भी घटनाएं अमेरिका में जापान में घटती हैं वो सारी घटनाएं साथियों हिंदुस्तान में घटती हैं, 20 साल बाद घटती हैं। और मुझे भरोसा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जहां पर हिंदुस्तान के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का एक खास नाम होगा, एक खास पहचान होगी और उस जगह पर हमें मौका मिलेगा कुछ बड़ा करने को। तो इस आशा और विश्वास के साथ हमने सिस्टम को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पहले बहुत सारे सवाल किए। हर व्यक्ति को सवाल करने का हक होता है, क्योंकि इतने छोटे से अमाउंट से, इतने छोटी सी फॉर्मेलिटी से आपको इतना बड़ा बिजनेस जब मिल जाता है तो भरोसा होता नहीं है। तो साथियों सवाल बहुत सारे थे, लेकिन साथियों मैंने सवालों को लेकर मैं घर पे बैठा नहीं रहा। मैंने सवालों को लेकर के अपने अपलाइंट के पास में गया और अपलाइंट ने मुझे, मैं थैंक्स करता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइंट मिस्टर अशोक शर्मा जी का, जिनकी वजह से मुझे बिजनेस को जानने का मौका मिला। राजस्थान अजमेर के व्यक्ति थे और केवल अपने पड़ोसी के पास, मेरे जो पड़ोस में रहने वाले राजस्थानी के निवासी थे, उनको ये प्लान दिखाने के लिए आए थे। उनको समझ में नहीं आया, लेकिन साथियों मुझे समझ में आ गया। और साथियों इसलिए कहा जाता है कि ये बिजनेस जो है एक गॉड प्लान है, केवल भगवान जिसे चाहता है उसके पास से ये बिजनेस आता है। वो व्यक्ति आए थे अपने रिश्तेदार के लिए, उनको बात समझ में नहीं आई, बात मुझे समझ में आ गई। और अगर आपसे मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस के अंदर में हैं तो आप यकीन मानिए कि ऊपर वाले की आपके ऊपर कुछ कृपा है, आपके पास में पिछले जन्म का कुछ पुण्य का उदय है, इसलिए आपके पास में साथियों आरसीएम है। और साथियों इस प्रकार शुरुआत हुआ और हम भिलवाड़ा गए, वहां से आने के बाद में साथियों विश्वास लेकर के आए और उसके बाद साथियों रुके नहीं, बिजनेस समझ में आ गया था तो बिजनेस को हमने वैसे पकड़ लिया जैसे कि एक बिल्ली
चूहे को आके पकड़ लेती है, बिल्कुल सच पकड़ लिया। 4 महीने के अंदर ऑल्टी का मुकाम हासिल किया, लगभग 6 महीने के अंदर साथियों टेक्निकल मुकाम हासिल किया, और इस तरह से साथियों सफर चलता गया। लगभग लगभग 5 साल में रूबी की पिन हासिल किया, इस तरह से बढ़ते चला गया। केवल एक विजय साथियों बताने का एक मकसद यहाँ पर है कि हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले हजारों सवाल किए, लेकिन शुरुआत करने वाले साथियों सवाल नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, वो साथियों काम किया, काम किया, काम किया, और काम किया साथियों रॉयल्टी बिजनेस के लिए, रॉयल्टी के लिए काम किया। क्योंकि हमने एक बात सीखा था कि जिंदगी में 45 साल काम करना से बेहतर है कि हम 5 साल काम कर लें। साथियों इस सारी बातें हमने सीखी है हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर अरणी बीसी छाबड़ा जी की वजह से, जिन्हें हम प्यार से भाग्यचंद छाबड़ा जी कहते हैं। इनकी बहुत सारी बातें हमें याद आती है। एक लाइन कहते हैं कि बीसी जी कहा करते थे कि एक गधा होता है जो सुबह घर से निकलता है, सुबह निकलता है, यूं जाता है, शाम को उस रास्ते से लौट के यूं आता है, और 50-100 रुपए का नोट लेके आता है, 50-100 रुपए का नोट लेके आता है। लेकिन तो एक दूसरा गधा भी होता है जो कुछ पढ़ा लिखा होता है, वो भी घर से सुबह रोज निकलता है और यूं वापस आता है, शाम को 200-500 का नोट लेके आता है। बस क्वालिटी क्या होता है कि उस गधे की क्वालिटी अच्छी होती है। क्यों कहने का मतलब, अगर किस्मत ने हमें मौका दिया हुआ है कि अगर हम 45 साल का काम 5 साल में कर सकते हैं, तो क्यों हम उस काम को जिंदगी में करते साथियों। हमें भगवान ने 84 लाख योनि के बाद मिला है मानव जीवन, जिंदगी जीने के लिए दिया हुआ है। तो हमें जिंदगी जीने के लिए 5 साल हम काम करके अगर हम पूरी जिंदगी लोगों की मदद कर पाए, क्योंकि जिंदगी आप देखिए आरसीएमएस के अलावा हम अगर कोई और भी काम करते हैं तो हमने देखा कि साथियों लोग 21 साल से काम शुरू करते हैं और जीवन के आखिरी दम तक काम 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 और सिर्फ काम, जिंदगी खत्म हो जाती है और हम बोलते हैं कि जीने का कुछ समय मिला नहीं। साथियों अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं साथियों, तो आपके लिए साथियों प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा और ये साथियों ये आप देख पा रहे हैं सर की एक लाइन जो हमें अक्सर प्रेरित करती है कि बहादुर कब किसका आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो ठान लेते हैं। साथियों किस्मत ने आपको मौका दिया है कुछ कर दिखाने का, कुछ करके दिखाने का, अपने आप को भीड़ से अलग लाने का, खास बनने का। और आपने अगर इस चीज को अपना लिया तो साथियों आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। और एक बात कहते हैं आदरणीय बीसी छाबड़ा जी कि आपकी मम्मी को भरोसा हो ना हो, आपके पापा को भरोसा हो ना हो, आपके भाई को भरोसा हो ना हो, आपके पड़ोसी को भरोसा हो ना हो, हमको भरोसा है, इस सिस्टम भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। मेरे एक और अपलाइन जो कहते थे अक्सर कि दुनिया का कोई भी कोयला इतना काला नहीं होता है कि उसे भट्टी में डाल दिया जाए वो लाल ना हो। जी हाँ साथियों, दुनिया का कोई भी कोयला इतना काला नहीं होता है कि उसे भट्टी में डाल दिया जाए और वो लाल ना हो। यानी कि साथियों अगर हम के समय लाखों कमियां हो हमारे पास में, हमारे पास क्वालिटी की कमी हो, पढ़ाई लिखाई में हम कमजोर हो सकता है कि हम गांव के हों, हम शहर के हों, हम बूढ़े हों, हम जवान हों, हम पुरुष हों, हम महिला हों, अगर आपको ऐसा सिस्टम मिल जाए साथियों जहां पर आप कामयाब हो सकते हैं, अगर आपने सिस्टम को पकड़ के रखा, 2 से 5 साल लगातार सीखते रहे, 2 से 5 साल अगर आप बिजनेस में बने रहते साथियों, तो आप भी साथियों कामयाब हो सकते हैं। ये सारी बातें हमने अपलाइन से की और आपसे मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि आप भी साथियों लगातार लगन से लगे रहें और आप लक्ष्य बनाएं कि रॉयल्टी के बिना जिंदगी गर्व के साथ में नहीं जी सकते। रॉयल्टी जरूरी है जिंदगी में, बहुत फर्क अंतर होता है गर्व की जिंदगी जीने का और आम जिंदगी जीने का। ये सब कुछ साथियों मैं अपने ग्रेट अपलाइन से सीखा, आदरणीय वी एस राठौर साहब, रवि यूपी शर्मा जी, मुकेश कुठारी जी, आदरणीय केसी छाबड़ा जी, ये मेरे ग्रेट अपलायंस साथियों। मैं इनके बिना मेरी कोई पहचान नहीं थी, इनकी वजह से साथियों मुझे पहचान मिली, मैंने अपने अंदर बदलाव ला पाया और अपने अंदर के महामानव को जगा पाया। साथियों आपके पास भी साथियों बहुत सारी अपलायंस हैं, उनका रिगार्ड्स करें, उनसे आप सीखें, उनसे आप जानें कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूं। हमने साथियों एक काम किया कि हमने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा, इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर आप भी अपने अपलायंस का साथ हाथ पकड़ लेते हैं और साथ नहीं छोड़ते हैं, तो आप भी कामयाब साथियों 100% हो सकते हैं साथियों। इसीलिए साथियों अब हम कह सकते हैं आओ हम सब मिलकर के एक नया इतिहास बनाएं, हम सब मिलकर नई नई उपलब्धियों का इतिहास बनाएं। साथियों मिशन 2020 में आपका स्वागत है। आप सभी साथियों अगर एक बार फैसला कर लेते हैं तो आप साथियों कामयाब हो सकते हैं, हो सकते हैं कामयाब। हमें इतिहास जिंदगी ने मौका दिया है, आपके पास 2 मौके होते हैं, इतिहास पढ़ने के या इतिहास रचने के।
आप साथियों दोनों में से आप एक चीज का चुनाव कर सकते हैं, क्या करना चाहेंगे, इतिहास पढ़ने वाले या इतिहास रचने वाले। मैं चाहता हूँ साथियों अपना कमेंट में आप लिखिए साथियों, आपको इतिहास रचना है या इतिहास पढ़ना है। साथियों बहुत सारे साथी आज यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, वो भी अपने कमेंट लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में जूम पे हम कमेंट लिख सकते हैं। और लिखिए साथियों, क्योंकि आप जो लिखते हैं, जब आप लिखते हैं तो आपका दिल आपके साथ होता है साथियों, और जब दिल आपके साथ होता है तो आपकी सफलता आपके पास होती है साथियों। अगर हमें कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब होने के लिए एक मजबूत और एक खास मतलब से मैं करना चाहता हूँ शेयर कि मदद लेना जो होता है वो मजबूत व्यक्ति की पहचान होती है। जी हाँ साथियों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको साथियों मदद लेना चाहिए, और मदद लेने के लिए हमारे पास में साथियों तमाम स्रोत हैं, तमाम स्रोत हमारे पास में है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको साथियों मदद लेना से अक्सर हम सोचते हैं कि मदद लेना कमजोर लोगों की पहचान होती है, लेकिन साथियों जिन्हें बड़ी कामयाबी जाना है तो साथियों आपको मदद लेना आना चाहिए। आज मोदी जी ने साथियों आज लोगों से मदद लिया, लोगों को मदद किया भी और मदद लिया भी साथियों। तो इसरो ने जो चंद्रयान साथियों लॉन्च किया और सुगमता से उसको चांद तक पहुंचाया, उसके पीछे साथियों इसरो का तो बहुत बड़ा हाथ है साथियों, लेकिन मोदी जी की भी खराब सपोर्ट रहा हुआ इनको, और साथियों आपस में मदद लेकर के मदद दे करके उन्होंने देश का नाम साथियों दुनिया के अंदर में गौरव किया है साथियों। इसी प्रकार से साथियों अगर आपको रॉयल्टी आपकी जिद है, रॉयल्टी आपका जुनून है, तो साथियों आपको भी हेल्प लेना चाहिए, मदद लेना चाहिए अपनी सफलता के लिए। यहाँ पर सिस्टम आपके पास मौजूद है, सबसे पहले साथियों आपको मदद लेना चाहिए भगवान से। भगवान से साथियों कहा जाता है कि भगवान दुनिया में है या नहीं है, एक अदृश्य शक्ति है, कोई उसे भगवान के नाम पे कहता है, कोई उसे गॉड के नाम पे कहता है, कोई उसे अल्लाह के नाम पे कहता है साथियों, वो जरूर है। और कई बार जब हम काम कर रहे होते हैं तो आपको सफलता नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन साथियों आप भगवान से एक प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि अक्सर मैं भगवान से प्रार्थना किया करता हूँ कि भगवान मैं आपकी नजर में साथियों, भगवान मैं पूरा ताकत लगा रहा हूँ, पूरे प्रयास कर रहा हूँ अपनी जिंदगी बदलने का, लोगों की मदद करने का, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद होगा तो मैं साथियों मैं मुश्किल से मुश्किल काम में साथियों कर सकता हूँ, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। आप भी प्रार्थना करें। दूसरा साथियों आप हेल्पलाइन के रूप में अपने अपलाइन से हेल्प ले, जरूर हेल्प ले अपलाइन इस बिजनेस में साथियों। इस बिजनेस में आपकी दुनिया की दूसरी माँ होती है, एक पहली माँ होती है जो हर हाल में आपकी सफलता चाहती है, और एक बिजनेस में आपकी माँ होती है अपलाइन होती है जो हर हाल में आपकी सफलता चाहती है। और अगर आप उसे कहते हैं कि अपलाइन से कि मेरा मेरा लक्ष्य इस महीने कुछ खास करने का है, इस महीने में कुछ, इस 3 महीने में, इस 2 महीने में मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मुझे आपका साथ चाहिए। और साथियों आप अपने अपलाइन से कह के तो देखिए एक बार अगर अपने अपलाइन से इस बात को कहा साथियों, तो अपलाइन साथियों खुश हो जाएगी, क्योंकि पता है अगर आप अपने लेवल को अप करेंगे तो अपलाइन का भी जो लेवल साथियों अप होने वाला होगा यहाँ पर, और अपलाइन आपको साथियों दिल खोल करके आपकी मदद करने को तैयार होगी। एक बार बोल के तो सही देखिए आप, तो साथियों मदद लेना पड़ेगा अपलाइन से। तीसरा साथियों आपको मदद लेना पड़ेगा अपने क्रॉस लाइन से। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपने क्रॉस लाइन से भी मदद लेना पड़ेगा साथियों। अब आपको शायद ये लगे कि क्रॉस लाइन हमें को सफलता दिलाने में कैसी मदद दे सकती है साथियों। साथियों इस दुनिया में पूरी कायनात आपकी मदद कर सकती है अगर कामयाबी आपका हक है, आपका जिद बन जाती है। क्रॉस लाइन साथियों इस बिजनेस में सच्चे हमारे मित्र हो सकते हैं। अगर आपने क्रॉस लाइन से मदद मांगा, किस प्रकार से मांग सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं सर क्रॉस लाइन से कि मैं चाहता हूं कि आप और मैं जिस शहर में काम कर रहे हैं, क्यों ना हम इस शहर का नाम हिंदुस्तान पे बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाएं, क्यों ना हम इस शहर का नाम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सफल लोगों की गिनती में लेकर के आए, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं इस शहर के अंदर में शानदार सिस्टम बनाना चाहता हूँ आपकी मदद से, शानदार प्रोग्राम कराना चाहता हूँ, शानदार पिकअप सेंटर डेवलप करना चाहता हूँ, और हम और आप मिलकर अगर प्रयास करें साथियों तो इसके अंदर में इस शहर की सफलता भी है, आपकी सफलता भी है, और मेरी सफलता भी है। आप अपने खुले विचारों के बीच में रखें और मिलकर के प्लानिंग करें। आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी गांव में हैं, मिलकर प्रयास करें कि हमको इस शहर में माहौल बनाना है, क्योंकि कहा जाता है बरसात की अगर चाह रखते हैं तो बरसात कभी भी आपके घर में अकेली नहीं होती है। बरसात होगी तो पूरे गांव में होगी, और बरसात नहीं होगी तो पूरे गांव में साथियों नहीं होगी। तो हमें साथियों अगर कमी पाना है तो हमें आपस में उसकी मदद लेना पड़ेगा, और मदद साथियों हमें देना पड़ेगा। अगर हम मदद के लिए तैयार हैं तो आपके साथियों कामयाबी आपके पास बिल्कुल हो सकती है, आप कामयाबी के लिए प्रयास कर सकते हैं।
और साथियों इसके अलावा आपको साथियों मदद लेना पड़ेगा डाउनलाइन से। जी हाँ साथियों, डाउनलाइन को तो अक्सर मदद किया जाता है, आपको साथियों मदद दे करके मदद लेना पड़ेगा साथियों। जी हाँ साथियों, उन्हें आप बैठ के बताएं, उन्हें आप बात करें साथियों कि मेरा लक्ष्य जो है सर वो आपकी सफलता है, मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी के अंदर में वो तमाम ऊंचाइयों को हासिल करें जो आज एक एक सफल व्यक्ति चाहता है। तो साथियों मैं चाहता हूं कि आपका लेवल बढ़े, आप रॉयल्टी पर आए, आप टेक्निकल पर आए, और मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, और मेरे पास में उसके लिए एक खास प्लानिंग है, और मैं आपके लिए आने वाले एक साल अपनी मेहनत करने को तैयार हूं। अगर आप भी कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं तो आने वाले हमें एक साल के अंदर में जिंदगी मिल सकते हैं, तो इस तरह का हम उसे कमिटमेंट दे सकते हैं। और आप जब डाउनलाइन को कमिटमेंट देते हैं साथियों, तो उसे लगता है कि जब इस दुनिया में मेरे भविष्य के बारे में कोई व्यक्ति सोच रहा है तो मुझे इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और साथियों जब आप सोचते हैं, जब एहसास करते हैं कि मैं आपके साथ तैयार हूं, तो साथियों आपकी डाउनलाइन मिलकर तैयार हो जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और जब आप डाउनलाइन को बोलते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है साथियों तो आपकी एक मजबूत टीम का निर्माण होता है, और अगर मजबूत टीम निर्माण कर पाते हैं आप, तो एक मजबूत टीम ही मजबूत बिजनेस को साथियों खड़ा कर सकती है। और पांचवा साथियों, आपको सफलता के लिए तैयार करना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा अपने नजदीकी पिकअप सेंटर होल्डर को, पिकअप सेंटर को जाके बताना पड़ेगा साथियों कि मैं इस पिकअप सेंटर को हिंदुस्तान के टॉप 10 में साथियों शामिल करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस पीयूसी की सेल साथियों हिंदुस्तान में टॉप 10 पे आए, मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस पीयूसी की सेल दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े, और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद ये चाहिए कि आप अपने पीयूसी को साथियों आपके आउटलेट में पूरे प्रोडक्ट की रेंज मेंटेन करें, साफ सफाई रखें, टाइम से अगर हम इसे खुला रखते हैं तो हम समय समय पर अपने लोगों को ला सकते हैं, और इस तरह से साथियों हम अपने पीयूसी वालों की मदद करके मदद ले सकते हैं साथियों। तो हमें उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर आपके लिए प्रयासरत हूँ, और मैं और आप मिलकर के हम बन सकते हैं, और हम बन करके हम सबकी सफलता का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों हमें अगर बड़ी सफलता भी जाना है तो हमें अपने आसपास के आवरण को सफलता के लिए साथियों तैयार करना पड़ेगा, और अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो आपकी सफलता साथियों 100% आपके लिए निश्चित हो सकती है साथियों। तो ये साथियों तैयार कर सकते हैं, आप बताइए उन्हें। और अगर हमें रॉयल्टी जाना है तो रॉयल्टी जाने के लिए साथियों हमें अपना एटीट्यूड, हमें इस ABCD को सीखना पड़ेगा। क्या है सर ABCD? ABCD है साथियों सफलता का, उसे कहते हैं एटीट्यूड, बिलीफ, कमिटमेंट और डेडिकेशन। जी हाँ साथियों, अगर हमें सफलता पाना है तो साथियों हमें अपने नजरियों को सही रखना पड़ेगा, हमें विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, अपने कमिटमेंट को मजबूत करना पड़ेगा, और हमें डेडिकेशन के साथ में बिजनेस में लग के काम करना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव साथियों। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो साथियों एक बात कही जाती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन साथियों मैं कह सकता हूं 100% नहीं देता है, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड साथियों जो होता है वो आपकी सफलता की 100% गारंटी देता है। अगर हम पॉजिटिव नहीं होते हैं तो नेगेटिव होते हैं, और जब नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव होकर जिंदगी में हम कुछ भी काम नहीं कर सकते साथियों। नेगेटिव होना आपकी सफलता की 100% गारंटी है, लेकिन पॉजिटिव होना आपकी सफलता की 50% गारंटी है। अगर आप सफलता के लिए पॉजिटिव होते हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं, तो साथियों आपकी सफलता तय होती है। बिलीफ सिस्टम साथियों, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप कामयाब हो सकते हैं। साथियों जो व्यक्ति चंद्रयान पे पहली बार गया था, नील आर्मस्ट्रांग का नाम कहा जाता है, वो साथियों चंद्रमा में बाद में गया, पहले उसने विश्वास किया कि मैं जा सकता हूं और जाकर के वहां से वापस आ सकता हूं। जी हाँ साथियों, मैं चंद्रमा में जा सकता हूं और जाके वहां से वापस आ सकता हूं, ये विश्वास उन्होंने अपने आप पर किया, इसके लिए साथियों उस जगह पर गया, चंद्रमा पे जा पाया, और उन्होंने दुनिया में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। चंद्रमा पे पहला पहुंचने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ने साथियों ये विश्वास किया था। अगर विश्वास था तभी कदम रख पाया। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी भरोसा होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं, मैं रॉयल्टी जा सकता हूं, मैं टेक्निकल जा सकता हूं, मैं जिंदगी बदल सकता हूं, ये विश्वास आप रखेंगे। और जब आप विश्वास करते हैं अपने आप पर तो जमाना आप पर विश्वास करता है। आपका विश्वास साथियों दूसरों को भरोसा करने के लिए मजबूर करता है। कहा जाता है कि यो पानी में पत्थर न फेंको उसे भी कोई पीता होगा, यो पानी में पत्थर
ना फेंको उसे भी कोई पीता होगा, यूं हिम्मत ना हारो आपको देख के भी कोई जीता होगा। दोस्तों अगर आप विश्वास खुद पे करेंगे तो आपकी सफलता को देख करके आपकी टीम आप पे भरोसा करती है, और जब आपकी टीम आप पे भरोसा करती है तो आपकी सफलता 100% साथियों निश्चित होती है। तो विश्वास साथियों हमें करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा इस कंपनी पर, विश्वास करना पड़ेगा हमें अपने आप पर, विश्वास करना पड़ेगा अपनी टीम के ऊपर में, और विश्वास करके सिस्टम पर जो आपका यूएस सिस्टम है, इस सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आज यूएस सिस्टम साथियों हम सभी के लिए काम कर रहा है, हम अपने शहर में रहते हुए पूरे हिंदुस्तान में अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं। एक समय था कि आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए केवल आपके शहर तक सीमित थे, लेकिन साथियों अब आपके पास मौका आ चुका है कि आप आज यूएस प्लेटफॉर्म का पूरा इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के अंदर में अपना नेटवर्क को न केवल खड़ा कर सकते हैं, बल्कि उन्हें समय समय पर उन्हें आ सकते हो आप सफलता का हर वो अवसर दिला सकते हैं जो आज आप अपने लोकल लेवल पर दिला सकते हैं। तो ये सिस्टम आपके लिए तैयार है, विश्वास करें। आज जो आरसीएमएस का जो रॉकेट है तो ये उड़ने को तैयार है, आने वाले कुछ साल के अंदर रहते हो ये आरसीएम का नाम हिंदुस्तान में नहीं रहते हो दुनिया में पहुंचने वाला है, आप देखने वाले हैं। आप विश्वास करें, कमिटमेंट करें सफलता के लिए, कमिटमेंट करें इस बिजनेस में साथियों। अगर पूरी सफलता पे जाना है तो आपको साथियों कमिटमेंट करना पड़ेगा, अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा, अपने अपलाइन से कमिटमेंट करना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन से। और जब आपका कमिटमेंट अपने अपलाइन से होगा तो आपका अपलाइन आपके साथ मिलकर के अपने जिंदगी की कुछ समय आपके साथ में लगाएगा। आप डाउनलाइन से कमिटमेंट करते हैं तो डाउनलाइन भी आपके साथ मिलकर के अपना जीवन कुछ समय लगाएगा। और जब हम सब मिलकर के एक हो जाते हैं, हम एक यूनिफॉर्म में काम करते हैं साथियों, तो आपके लिए सफलता पाना आसान हो जाता है। जब जब आप अकेले काम करते हैं सफलता मुश्किल होती है, जब आप टीम वर्क में काम करते हैं सफलता आपके लिए साथियों आसान हो जाती है। और इसी प्रकार से डेडिकेशन साथियों, अगर हमें सफलता पाना है तो समर्पण चाहिए साथियों, आपको समर्पण चाहिए। क्यों साथियों? बिजनेस साथियों हम और भी जब काम करते हैं तो काम जिंदगी में जवानी से बुढ़ापे तक का होता है, ये काम साथियों जिंदगी के केवल 2 से 5 साल, अगर आपने 2 से 5 साल इस काम को डेडिकेशन से कर लिया साथियों तो सफलता आपकी मुट्ठी में हो सकती है। और सफलता पाने के बाद साथियों आप अपने जीवन में इस बिजनेस को आराम से जी सकते हैं। आज जितने भी साथियों, आज बड़े लीडर जितने भी हैं, आज वो आरसीएम करते नहीं साथियों, आरसीएम जीते हैं। करने में और जीने में साथियों बहुत फर्क होता है, करने पर जोर आता है, जीने में जोर आता नहीं साथियों। जिंदगी जीना अलग बात होती है, और आज जिंदगी का मकसद हो जाता है कामयाबी के बाद में कि जो सफलता हमें मिली है ये सफलता हम लोगों को दिला सके साथियों। और हम सभी के पास साथियों एक खास मौका है, इस 27 नवंबर का बिगेस्ट इवेंट साथियों होने वाला है 27 नवंबर का दिल्ली के अंदर में, जहां पर पहुंच करके साथियों हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिंदगी के सपनों को हम पूरा होते देख सकते हैं। हमारे पास मौका मिला हुआ है कि हम 27 तारीख तैयारी करें, और इस 27 तारीख की तैयारी करने के लिए हमारे पास मौका है साथियों सितंबर का, कि सितंबर में हमारे पास में मौका है कि इस प्रोग्राम में हम ताली बजाने जाएं या ताली बजवाने जाएं, हमारे पास मौका है। आप अगर कुछ खास संकल्प करते हैं सितंबर के महीने में और अपने आप को रॉयल्टी पे लगाते हैं तो जमाना आपके साथियों ताली बजाएगा, ये दुनिया आपकी ताली बजाएगी, और आपकी दुनिया की दुआएं आपको साथ में मिलने वाली है, और आपको जिंदगी में एक खास अनुभव पल अनुभव करने का एक मौका आपके पास हो सकता है 27 नवंबर का। और ये सभी रॉयल्टी चीवर के लिए एक खास मौका है साथियों, आप 27 तारीख और 28 तारीख के प्रोग्राम के अंदर में अगर आप रॉयल्टी चीवर बन के जाते हैं साथियों तो आपके लिए एक खास व्यवस्था होती है, VIP सीटिंग होती है आपके यहाँ पर, आपको खास एंट्री मिलती है इस प्रकार से। तो आपके पास मौका है कि हम संकल्प करें कि सितंबर में हमको सितंबर को करना खास है और रचना इतिहास है, हम रॉयल टीचर बन के जाएं, रॉयल टीचर बनने के लिए हम काम करें, रॉयल टीचर बनने के लिए हम प्रयास करें, और यही सफलता साथियों आपको लेकर के जाएगा आपको। और आपको रॉयल टीचर बनने के पहले की समझना पड़ेगा कि एक मेन बात जो आपके दिल में हमारे दिल के अंदर में आ गई थी, उस दिन से फैसला किया कि कुछ खास करना है, आम जिंदगी नहीं जीनी साथियों। कहा जाता है गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ, जी हाँ साथियों, अच्छी जिंदगी एक महान जिंदगी की दुश्मन होती है। अगर हम आज वर्तमान में शायद अच्छी जिंदगी जी रहे हों, दाल रोटी चल रही है, हम आराम से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जीने और साथियों और एक सिग्निफिकेंस लाइफ जीने में बड़ा फर्क होता है। अच्छी जिंदगी क्या होती है? आपके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप टाइम से काम पे जा रहे हैं, टाइम से घर पे आ रहे हैं, टाइम से खाना खा रहे हैं,
विद्यार्थियों, क्या हम दुनिया में केवल खाना खाने के लिए आए? कहा जाता है सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अगर हम कुछ खास लक्ष्य बनाते हैं तो हम जिंदगी में केवल अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप गुड लाइफ को, एक आप अच्छी जिंदगी को महान जिंदगी में बदलें, तो आपके पास मौका है कि आप एक लक्ष्य बनाए कि आपको ग्रेट लाइफ पानी है। और ग्रेट लाइफ पाने का मतलब क्या होता है, आज देखिए आपके बीच में ये दो शख्सियत हमारे पास में है, आदरणीय तिलोकचंद छाबड़ा जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज एक ग्रेट लाइफ जी रहे सकते हो, ग्रेट लाइफ जी पा रहे हैं। कारण सकते हो ग्रेट लाइफ जीने का एक खास पर्पस यहाँ पर यह है कि आज इनकी जिंदगी खुद से ज्यादा दूसरों के लिए समर्पित है। सकते हो आज आप देख सकते हैं TCG आज इतने बड़े कंपनी के मालिक होने के बावजूद सकते हो आज आपकी सफलता के लिए, हमारी सफलता के लिए सकते हो निरंतर प्रयासरत है, आज भी हमें लगातार गाइड कर रहे हैं, आज भी कंपनी को साथियों लगातार और लगातार ऊंचाइयां दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, आज हमें रोजाना गाइड करते हैं मॉर्निंग सेशन के अंदर में। हमारे पास में हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास में इस तरह के आदरणीय MD साहब हैं जिनकी वजह से हम बिजनेस में आगे बढ़ पा रहे हैं, और हम सभी खुशनसीब हैं कि हमारे पास में नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिनकी साथ में मिलकर भारत अपनी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमें देख पा रहे हैं। तो अगर साथियों हमें भी अगर इस तरह की गुड लाइफ से ग्रेट लाइफ में जाना चाहते हो तो हमें साथियों उसके लिए फैसला करना पड़ेगा रॉयल्टी जाने का, और रॉयल्टी जाने के लिए साथियों मजबूरी होती है कि यहाँ पे जब तक हम कुछ लोग जिंदगी को बदलाव करने के संकल्प नहीं करते हैं आपकी रॉयल्टी नहीं आ पाती। साथियों अगर आपका सपना होता है कि मैं कुछ लोगों को कामयाब करूंगा, तो कामयाब करके ही आप कामयाब हो सकते हैं, आपकी रॉयल्टी पे आप जा सकते हैं। और रॉयल्टी आने के लिए साथियों आपको संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे कुछ लोग जिंदगी को कामयाब करना है, क्योंकि यही हमारे बिजनेस का, यही हमारे बिजनेस का सफलता का गोल्डन रूल होता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों का भला करने के मकसद से काम करते हैं, आप चाहते हैं कि कैसे करके चार लोगों की जिंदगी में खुशियां आ जाए, चार लोगों की जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, चार लोगों की जिंदगी में एक हेल्दी स्वस्थ लाइफ उनके पास आ जाए, क्योंकि हमारे पास में साथियों ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में, नायाब प्रोडक्ट हमारे पास में है, नायाब हमारे पास में सप्लीमेंट हमारे पास में है, जिसके माध्यम से साथियों हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि हम लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आप इस उद्देश्य से लोगों से बात करते हैं तो साथियों को सफलता मिलना आपके लिए आसान होता है, रॉयल्टी जाना आपके साथ जो आसान होता है हमारे पास में। आइए हम बात करते हैं सफलता की कुछ रहस्य, सफलता की चाबी जो होती है। अगर हमें सफलता पाना है, रॉयल्टी पे जाना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन हम कुछ बातों का, स्वर्णिम नियमों का पालन करके साथियों हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों अगर हमें कामयाब जाना है तो हमें एक फॉर्मूला पकड़ना पड़ेगा कि एक सफलता का पहला सिद्धांत यहाँ पर काम करता है, वह है बनो वाइटल बनाओ वाइटल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रॉयल्टी फटाफट आ जाए, तो आपको इस पहला प्रयास करना पड़ेगा कि अपने डाउन के सबसे डीप डाउन में जाकर के आपको निकालना पड़ेगा नया बिगिनर, नया स्टार्टर, नया ओपनर। और अगर आप इस बिगिनर स्टार्टर ओपनर की पिन को 10 तारीख के पहले पहले निकाल लेते हैं साथियों, तो आप बड़ी आसानी से इस महीने की रॉयल्टी को आप आसान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके डाउन में अगर बिजनेस 10 तारीख के पहले हो जाता है, जो कि बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं बिगिनर मतलब केवल 20,000 का बिजनेस, स्टार्टर मतलब केवल और केवल 40,000 का बिजनेस, ओपनर मतलब 70,000 का बिजनेस, अगर आप निकाल लेते हैं साथियों, तो आप एक अपने टीम में माहौल बना सकते हैं कि इस बार कुछ खास होने वाला है, कुछ खास करने वाले हैं। और कुछ खास करने का एक जब माहौल बनाते हैं तो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक माहौल बनता है, तो आपकी साथियों रॉयल्टी आ सकती है, आप रॉयल्टी निकाल सकते हैं। आप वाइटल में काम करें और वाइटल में यह भी एक नारा दे सकते हैं, क्योंकि अब आपके लिए खास बात है कि अगर आपको RCMS में अब आपको तुरंत और फास्ट इनकम चाहिए, तो आपको अपने जीवन का एक नारा बनाना पड़ेगा। उसका नारा का नाम है बनो बिगनर बनाओ बिगनर। बिगनर बनते ही आपको इनकम ट्रांसफर होती है, और जब इनकम ट्रांसफर होती है तो आपका विश्वास बढ़ता है, और साथियों जब विश्वास बढ़ता है तो आपको साथियों कॉन्फिडेंस आता है, और साथियों आपको प्रोग्राम में मान सम्मान होता है, आपकी पहचान खास होती है, और जिंदगी में पहली बार आपको लगता है कि आप भीड़ से अलग हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ खास बन सकते हैं, आपके पास में ऐसा एक फीलिंग आती है, और इस फीलिंग के साथ साथ आप आगे बढ़ते जाते हैं। सफलता का एक बीज आपके अंदर जब आ जाता है, तो केवल वो बीज आपका लगातार पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, और सफलता आपके पास में साथियों पहुंच पाती है। और साथियों अब तो आपके लिए एक खास बात और भी है कि ओपनर बन जाने पर
कंपनी के टोटल टर्नओवर में आपको मिल जाती है हिस्सेदारी। अगर आप ओनर बनते हैं तो आपको मिलती हिस्सेदारी मिलती है इस प्रकार से, और हिस्सेदारी जब मिलती है तो आपको पहली बार अब अपने परिश्रम के अलावा कंपनी के टर्नओवर का भी आपको लाभ मिलता है यहाँ पर आपको। तो साथियों अब तो आपके लिए ओपनर बनना और भी जरूरी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंपनी के टर्नओवर से बेनिफिट मिले तो साथियों आप तैयारी करें कि हमें जल्द से जल्द ओपनर बनना चाहिए, इससे हमें बहुत दूर नहीं रहना चाहिए। आपका जो साथियों जो नया प्लान आपके बीच में आया हुआ है, ये प्लान डेफिनेटली आपके लिए क्रांतिकारी प्लान के रूप में बदलाव ला सकता है। हमें इसके लिए केवल और केवल लगना पड़ेगा कमिटमेंट हाथ में, और अपने अंदर में एक जोश लाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि फुटबॉल जो होती है साथियों, फुटबॉल हवा के साथ में खुश होती है और हवा के बिना खुश होती है। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि आप सफलता आपको मिले तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। उत्साह के साथ में साथियों आप कोई भी काम करेंगे तो साथियों आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस फुटबॉल से हवा निकल जाती है उसे गोल पोस्ट तक ले जाना मुश्किल होता है, और जिस फुटबॉल पे हवा भरपूर होती है उस पर एक किक ही काफी होती है। तो अगर आपके अंदर में उत्साह का आप साथियों सैलाब बना कर रखेंगे तो साथियों आपके अंदर आपकी सितंबर में रॉयल्टी भी आएगी और आपके आपकी टीम में लेवल्स भी आएंगे, और पॉजिटिविटी के साथ साथ हम काम करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि आपकी रॉयल्टी आ सकती है तो आप साथियों कामयाब हो सकते हैं। आपकी रॉयल्टी आ सकती है उसके साथ आपको एडवांस प्लानिंग करना पड़ेगा कि मैं सफलता प्राप्त करने वाला हूं। आपको साथियों ये विश्वास करना पड़ेगा कि आप कामयाब होने वाले हैं, और इसके लिए आपको एडवांस सोचना पड़ेगा कि मैं रॉयल्टी चीर बन चुका हूं, मैं रॉयल्टी चीर बनने वाला हूं। और साथियों उसके लिए आपको रोजाना आप इसके बारे में विचार बना लाएं, और उसके बाद में साथियों आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं रॉयल्टी चीर जैसा काम कर पा रहा हूं। आप आईने में जाइए और साथियों और देखिए क्या मैं अपनी टीम की जवाबदारी ले पा रहा हूं, और उसके बाद साथियों आप कमिटमेंट करें जवाबदारी लेने का, और डेफिनेटली जब अपने अपने रॉयल्टी चीर मानेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जवाबदारी जब निभाते हैं तो आपके साथियों सफलता आपका हाथ आती है। तो आपको पॉजिटिव होकर विजुलाइज करना पड़ेगा, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि सबसे रॉयल्टी आपके बिजनेस का वो पहला कदम होता है जिससे आपको साथियों रॉयल्टी आपके लिए आसान हो जाती है। रॉयल्टी आने के बाद में सारे सपने पूरे होते हैं आपके, जो सपने छोटे से आपने शुरुआत किए हैं बड़े से लेकर के वो हर लेवल पे जाने के लिए शुरुआत का पहला कदम होता है आपका रॉयल्टी का, जहां जाकर के आप अपने सपनों को पूरा होता हुआ आप देख पाते हैं। और ये साथियों वो सीढ़ी है जिसपे चल करके जिसपे ला करके हम कामयाब हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बनाओ वाइटल। और इस सारे लेवल्स को साथियों आप प्लानिंग करें अपने टीम के अंदर में। इस महीने नया बिगनर, नया स्टार्टर, नया ओपनर, नया ईगल, नया रनर, नया विनर और नया स्टार जो साथी साथियों इस बार प्लानिंग करने वाले हैं, और उनको अपने क्षेत्र में अगले महीने जो मासिक प्रोग्राम होने वाला है उसमें खास सम्मान दिलाने की तैयारी करें, और आप लोगों को एहसास कराएं कि सितंबर का महीना खास बनने के लिए बना है साथियों। क्योंकि कहा जाता है कि जब दिवाली आती है तो हर दिवाली हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा ताकत लगाते हैं। और साथियों अगर आपने सही रुत जाना तो आरसीएम की सही दिवाली सितंबर माह में आती है साथियों, आरसीएम की सही दिवाली सितंबर माह में आती है। अगर आपने सितंबर के महीने में थोड़ा एक्स्ट्रा किया तो सितंबर आपके लिए खास बन जाएगा, और आप खास बनने की शुरुआत में सितंबर से लेकर के आने वाले एक साल के अंदर में साथियों आप बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमसे प्रयास करें, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों का साथियों हम तैयारी करें उनको वाइटल पे लाने का। और एक बात कहना चाहता हूं कि पानी के जहाज की शान समुद्र के बीच में होती है, न कि किनारे खड़े रहने पर। अगर आप कामयाब जाना चाहते हैं तो आप घर से निकल ही सकते हो। आप अगर सही मायने में सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी असली सफलता घर के बाहर निकलने से आती है। ये जो जहाज है अगर साइड में खड़ा रहे तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप आरसीएम में आए हैं, अगर आपने बिजनेस में कदम रखा है, तो आपका जन्म रॉयल्टी पे जाने के लिए हुआ है, आपका जन्म सफलता पाने के लिए हुआ है, आपका जन्म डायमंड बनने के लिए हुआ साथियों। और डायमंड बनना है तो आपको साथियों घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और घर से बाहर निकल के लोगों से मिलना पड़ेगा, और लोगों की मदद करना पड़ेगा। मदद करने के बहाने आप कामयाब हो सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे इस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कामयाब करना है।
तो ये घर से बाहर निकलिए, समय निकालिए और निकाल कर अपनी टीम की लोग मदद कीजिए, लोग ही मदद कीजिए, और इस तरह से हम बड़े कामयाब पे जा सकते हैं। और आज आपके बीच में आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान के वो तमाम कोर लीडर जिन्होंने 20 साल पहले सिस्टम पे भरोसा किया, 21 साल पहले सिस्टम में भरोसा किया, 22 साल पहले सिस्टम में भरोसा किया, और भरोसा करके आज बिजनेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनकी सफलता का अगर कोई राज है, कोई राज साथियों ये है कि इन सब इन बिजनेस के राज ये है कि सभी लीडर्स ने एनओसी प्रोग्राम को एक बड़ा टूल्स के रूप में अपनाया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कामयाब पे जाएं, अगर आप चाहते हैं कि 2023-24 में आप बड़े मुकाम पे जाएं, तो साथियों आपके पास में एक बड़ा मौका है कि आप इस एनओसी को खास बनाने के लिए अपने टीम से ज्यादा लोगों की तैयारी कराएं। और इस एनओसी प्रोग्राम के अंदर में आपके पास मौका है कि आप ताली बजवाने के लिए जाएं, न कि बजाने के लिए जाएं। आपके पास मौका है सितंबर महीने में कुछ खास करके जाने का, क्योंकि आप इस बार रॉयल्टी पर आते हैं तो आपका सत्य, और इस बार विशेष एंट्री वहां पे होने वाली है, विशेष सम्मान आपको वहां पे मिलने वाला है, विशेष पिन आपको वहां पे मिलने वाली है। तो आपके पास सत्य तैयारी है, आप एनिवर्सरी को एक बड़ा टूल माने और इस महीने कुछ एक्स्ट्रा करने की हम तैयारी करें। इस एक्स्ट्रा करके हम बड़ा कर पाएंगे यहाँ पर। और एनिवर्सरी एक ऐसा अवसर है जिसमें पूरा भारत आपकी सफलता का जश्न मनाता है। जी हाँ साथियों, पूरा भारत हिंदुस्तान के कोने कोने से, आसाम से, पंजाब से, बिहार से, गुजरात से, केरल से, हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग आते हैं साथियों, और आपकी सफलता का जश्न मनाते हैं। ऐसा मौका हमें मिस नहीं करना चाहिए। सितंबर को हमें खास बनाने के लिए हमें अपने प्रयासों को इस को सटीक तक हमें काम करना चाहिए, और अपने टीम में वाइटल्स पे काम करके हम रॉयल्टी साथियों आसानी से जा सकते हैं। और माहौल बनाने के लिए कहा जाता है कि जो लीडर माहौल के निर्माण में सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरपूर मदद करते हैं, पूरी कायनात उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। जी हाँ साथियों, अगर अपने क्षेत्र में आप माहौल बनाते हैं रॉयल्टी जाने का, रॉयल्टी जाने के लिए आप मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर दिन नए वाइटल निकाल रहे हैं, और जो साथी नए वाइटल निकाल रहे हैं उनका आप सम्मान कर रहे हैं डिजिटल जूम प्लेटफॉर्म के अंदर में, जैसा कि आज हम यहाँ पर अभी पिछले महीने अगस्त के महीने में बहुत सारे साथियों ने रॉयल्टी पिन निकाला है, हम उन सबका सम्मान करने वाले हैं, उन सबको साथियों मिलाने वाले हैं जिन्होंने अगस्त महीना में रॉयल्टी निकाली है, जिन्होंने सितंबर महीने में रॉयल्टी निकाली है, उनके लगातार फोटोग्राफ हमारे पास में आते जा रहे हैं। ये सभी साथी साथियों आपके लिए एक मैसेज है कि हिंदुस्तान में बहुत तेजी से साथियों आग लगी हुई सफलता की, आपके पास मौका है, आप सफलता की तैयारी करें। और कहा जाता है थिंक विक्ट्री एंड सक्सीड, सफलता के बारे में सोचिए और सफलता पाइए। सही, आप सफलता के बारे में सोचते हैं, सफलता की प्लानिंग करते हैं साथियों, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल हिंदुस्तान में पहले ना पंजाब में बना, ना बिहार में बना, ना आगरा में बना, ताजमहल सबसे पहले शाहजहां के दिमाग में बना। अगर इसी प्रकार से आपकी कामयाबी, आपकी सफलता, आपकी रॉयल्टी आपके दिमाग में आती है तो आपके बिजनेस में आती जाती हो। सफलता पाने के लिए पहले मानना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, मैं रॉयल्टी जा सकता हूँ, मेरा रॉयल्टी हो सकता है, इस महीने रॉयल्टी आ सकती है। आप सोचते हैं, जब सोचते हैं तो भगवान आपको रास्ता दिखाता है, और आप जब जब आप डाउट करते हैं, जब आप शंका करते हैं अपने ऊपर में, तो साथियों आप फेल होते हैं। आपको अगर कामयाबी हासिल करना है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा ये महीना कुछ खास है, क्योंकि कंपनी के तमाम ऑफर आपके पास में है। आपके पास ऑफर है कीसोल का, आपके पास ऑफर है गामा का, आपके पास ऑफर है साथियों कंसिस्टेंसी प्लान का, और साथियों आप इस ऑफर में काम करके आसानी से आप एक प्लानिंग करके अपनी रॉयल्टी को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और हमारे पास मौका है साथियों 27 और 28 नवंबर का एक खास प्रोग्राम का, जहां पर हमें कई सफलों से मिलने को मिलना मौका मौका मिलने वाला है। और साथ ही साथ में अगर मैं चाहूँ, हम 27 तारीख को मिलेंगे हिंदुस्तान के आरसीएम के उन तमाम सफल लोगों से जिन साथियों ने 2023-22-23 में बड़ा काम किया है, उनसे मिलेंगे। और अगर हम 28 तारीख के प्रोग्राम में होते हैं साथियों, तो 28 तारीख को हमें मिलने वाला है मौका एक शानदार शख्सियत से, भारत की पहला महिला आईपीएस किरण बेदी से मिलने का मौका मिलने वाला है हमें 28 तारीख को कीसोल के प्रोग्राम के अंदर में, जिसके लिए हमें केवल इस महीने में करना है। अगर हम जून महीने से लेकर के सितंबर महीने तक अपनी कीसोल की परचेसिंग को
1500 में कंप्लीट कर लेते हैं तो साथियों आपके पास में एक इस प्रोग्राम में एंट्री पाने का एक खास मौका आपके पास में होगा, और इस एंट्री के माध्यम से आप साथियों उन नजारों को देख पाएंगे, उन कामयाब लोगों को मिल पाएंगे जो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। कहा जाता है हर कामयाब लोगों की आदतें एक जैसी होती है और हर नाकामयाब लोगों की आदतें एक जैसी होती है। आपको साथियों किरण बेदी से मिलने का मौका मिलने वाला है 28 तारीख के प्रोग्राम के अंदर में, तो मौका है कि हम अपने टीम में इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों का 1500 PV की काम 1500 PV की सोल में करवा करके एक हम प्लानिंग करें कि हम अपने टीम में अधिक मात्रा में की सोल पे काम करके रॉयल्टी निकालें, अधिक मात्रा में गामा में काम करके रॉयल्टी निकालें। हम एक लक्ष्य बनाएं और उसके आधार पर साथियों हम कुछ खास करें। इस मौके को हमें जाना देना नहीं चाहिए, एक खास मौका हमारे पास में एक दिन के अंदर साथियों में अगर बड़ी सफलता जाना सितंबर में तो साथियों कहा जाता है कि एक दिन भी चूका तो सफलता का चक्र छूटा। साथियों एक दिन भी चूका, सितंबर खास है, रचना इतिहास है। आज तारीख 6 तारीख हो चुकी है साथियों, लगभग 24 दिन हमारे पास में। इस 24 दिन के अंदर में साथियों हमें जागना है और जगाना है। डेली कम से कम साथियों प्रयास करना है कि 50 हमें अपने टीम के लोगों को कॉल करना है। किसी का ऑफर ना छूट जाए, किसी का साथियों टारगेट ना छूट जाए, किसी का वाइटल लेवल ना छूट जाए। साथियों जगाइए और लोगों को बना के रखिए सितंबर में कुछ खास करने के लिए। और कहा जाता है यहाँ पर एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में असफलता की कीमत बहुत ज्यादा है बजाय कि सफलता की कीमत से। डेफिनेटली हमें जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है तो हमें कुछ तकलीफ उठानी पड़ेगी, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लोगों की ना सुननी पड़ेगी। लेकिन साथियों अगर जिंदगी में हम असफल जिंदगी जीते हैं तो साथियों आपको जिंदगी जो संघर्ष है, ये संघर्ष जो 2 से 5 साल का है वो संघर्ष जिंदगी भर का हो सकता है। आज आपको तय करना है, आज आपको तय करना है कि जिंदगी में संघर्ष जिंदगी भर करना है या 2 से 5 साल करना है। अगर 2 से 5 साल करना है साथियों तो बिजनेस को ठीक से कर लें आप। इस बिजनेस को ठीक से कर लेंगे आप तो आप ये मान पाएंगे, ये जान पाएंगे कि जिंदगी में असफलता की कीमत बहुत ज्यादा है बजाय कि सफलता की कीमत के। सफलता की कीमत बहुत कम है। केवल 2 से 5 साल अगर ढंग से आप काम करें, एक लक्ष्य बना के काम करें, अपनी टीम को गाइड करते हुए काम करें, एक लिखित फॉर्मेट में काम करें आप कि आपको रोजाना कितना घंटे काम करना है, कितने लोगों से मिलना है और आपके टीम में कितने लोगों को कंसिस्टेंसी प्लान में शामिल करना है, कितने लोगों को इस बार वाइटल पे लाना है और साथियों उनसे कमिटमेंट करवाएं, तो साथियों आप आसानी से सितंबर में कुछ खास कर पाएंगे, सितंबर में रॉयल्टी ला पाएंगे, 2023 में बड़ा काम कर पाएंगे और इस तरह साथियों आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों मैं कहना चाहता हूं कि ये सफलता साथियों लगातार बढ़ती आ रही है। अब कुछ मौका है कुछ कर दिखाने का आपके पास में, और आप प्रयास करें कि बहुत जल्दी आपकी तस्वीर भी हम देख सकें हिंदुस्तान के नक्शे पर और आपको हम सेलिब्रेट कर सकें। और मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को कि सितंबर में हम कुछ खास करें और हम अपने आप को दिल्ली के स्टेज पर खास मुकाम पर लेकर के आए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत जय भारत, जय आरसीएम। थैंक यू, ओवर टू रजत सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू रत्नेश सर, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार आज का प्रोग्राम आपने हम सबके बीच में रखा। हमारे बहुत सारे साथियों ने आज के प्रोग्राम से एक बहुत बड़ी प्रेरणा ली है। आज के प्रोग्राम को समापन से पूर्व हम गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हुए पूरे सम्मान के साथ हम इनवाइट करते हैं और उनके आशीर्वाद के बिना आज के प्रोग्राम को हम विराम नहीं देंगे। तो एक बार कंफर्टेबल हो तो गुरुदेव आइए, प्लीज वेलकम, आपका मोस्ट वेलकम आज के इस शानदार वेबिनार में। सर आपका माइक सर, वेलकम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत मतलब बहुत शानदार। मैं बिल्कुल पूरा प्रेजेंटेशन में देख रहा था और रतेश जी ने अपनी बहुत अच्छी शब्दावली से और बहुत अच्छी टेक्निक से बहुत सारे लोगों की रॉयल्टी को बिल्कुल आसान बना दिया। मतलब दोस्तों वाकई आप सिर्फ हम सब लोग मिलकर, मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर एक नया इतिहास बनाना है और सितंबर को खास बनाना है और इस बार रॉयल्टियों का एक तरह से अंबार लगाना है। 24 दिन बचे हैं और अभी बहुत ध्यान से समझने की बात है, अभी मौसम भी है, माहौल भी है, मिजाज भी है, सब कुछ है, चारों तरफ से सारा वातावरण
एक ही चीज के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है, उसका नाम है रॉयल्टी। और आरसीएम में जितनी भी बड़ी सफलताएं या कोर लीडर या टॉप सीनियर लीडर आप जिनको देख रहे हो, वो इसलिए टॉप बन पाए क्योंकि उन्होंने आरसीएम ज्वाइन करके किसी और चीज को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने आरसीएम की रॉयल्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने एक्चुअली में आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने आरसीएम की रॉयल्टी को ज्वाइन किया। और पहले दिन ही रत्नेश जी ने पहले दिन जब आरसीएम ज्वाइन किया तो पैंट पीस के लिए ज्वाइन नहीं किया, कपड़े के लिए ज्वाइन नहीं किया, रॉयल्टी के लिए ज्वाइन किया और रॉयल्टी का सपना देखा। और रॉयल्टी आपकी हर मुकाम पर पहुंचने की और हर सपने को पूरा करने की चाबी है और दरवाजा है, दोनों है। और उस एक को पाने से, कहते ना कि एक साधे सब सधे, उस एक रॉयल्टी का सपना आप देख लेते हैं और उस रॉयल्टी पर आप काम करते हैं। तो बिल्कुल रत्नेश जी ने एक एक बात आपके सामने खुलासा की है कि आपका एटीट्यूड, बिलीव और कमिटमेंट और डेडिकेशन होगा तो चारों तरफ पूरी प्रकृति, अप्लाई, इन सब आपको मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास अनेकों समाधान है। और डेली 8 PM का ये प्रोग्राम आपको रोजाना नई नई टेक्निक, नया नया मोटिवेशन, नया नया फॉलोअप टेक्निक और नई नई बातें दे रहा है। तो बने रहिए इस 8 PM में और अपनी टीम में नए नए रॉयल्टी अचीवर तैयार करिए। और अगर आपने रॉयल्टी को मिशन बना लिया तो समझ लो नए भारत का निर्माण आपके लिए बहुत आसान और बहुत सरल हो जाएगा। और इसमें की सोल की एनिवर्सरी के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 28 तारीख को की सोल की एनिवर्सरी में नए रॉयल्टी अचीवर्स का स्पेशल सेलिब्रेशन, ओनली नए रॉयल्टी अचीवर्स का स्पेशल सेलिब्रेशन स्टेज के माध्यम से होने वाला है। तो सभी साथियों को 28 तारीख की अपनी सेलिब्रेशन की तैयारी भी करनी है। वो आपके लिए खास लम्हा और खास दिन होगा कि किसोल के मंच पर यानी 28 तारीख की एनिवर्सरी में हमारे को सम्मानित, और उसकी तैयारी करके हम अपनी रॉयल्टी की संख्या करंट में भी बढ़ा सकते हैं और भविष्य के लिए भी हम अपनी बड़ी कामयाबी का आधार तैयार कर सकते हैं। तो आपके पास चारों तरफ मौका ही मौका है, चारों तरफ मौका ही मौका है, बस आपको ब्रेक से पांव हटाकर एक्सीलेटर दबाना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कामयाबी की दुनिया में जो ब्रेक लगाता है वो मंजिल पर कभी नहीं जाता है। कामयाबी की दुनिया में तो ब्रेक कभी होने ही नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर सामने से कोई नहीं आता है, वहां तो जो भी आता पीछे से ही आता है। ब्रेक को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए और एक्सीलेटर फुल दबा देना चाहिए। नो एक्सीडेंट जोन है, इसलिए आप फुल ताकत के साथ में अपने रॉयल्टी मिशन पर काम करिए और हमारी सबकी, मेरी अकेले की नहीं, पूरी मैनेजमेंट की, पूरी कोर टीम की, आपके सभी सीनियर अपलाइनों की सबकी शुभकामनाएं और सबकी दुआएं और सबकी मदद आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो थैंक यू सो मच सभी को इस रॉयल्टी मिशन पे बढ़ चढ़कर। और जो फोटो सेलिब्रेशन के लिए दिखाई है वो पूरे हिंदुस्तान की फोटोज नहीं है, वो चंद फोटोज जो हम तक पहुंच पाई और जिनको हम ले पाए वो फोटोज है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है जो रॉयल्टी ले चुके हैं, बहुत सारे लोग लेते जा रहे हैं, हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन महीने के आखिरी तक हम चाहेंगे कि 2000 से अधिक लोगों का सेलिब्रेशन हम कर पाए, ऐसी मनोकामना और ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। बीसी सर की वो लाइनें हम आपको याद दिला दें, सर ने 22 तारीख को 8 बजे एक लाइन हम सबके बीच में रखी थी, सक्सेस इज प्योरली अ माइंड गेम, सक्सेस इज प्योरली अ माइंड गेम। और सर ने एक चीज और कहा था, सामूहिक शक्ति से आप दुनिया बदल सकते हैं। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हम उसको प्रोग्राम को डायरी में नोट करते हैं और वही चीजें हम बार 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 उसको दोहराते हैं। दोस्तों आज गुरुदेव ने इस आरसीएम को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है, प्रारंभ से और अभी तक एक एक व्यक्ति को आपने खड़ा किया है, एक एक पिन लेवल को आपने बड़ा किया है। आज जितने भी आपको रूबी, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड जितने भी आपको मिलते हैं पूरे हिंदुस्तान में, गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर ने एक एक व्यक्ति को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो दोस्तों आज आप लोग इस प्रोग्राम में आए, हम आपसे यही विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे, मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी लग जाइए। और जैसा कि सर ने अभी अभी कहा, सितंबर में एक नया इतिहास बनाना है, ये मौका है, माहौल है, मिजाज है और जरूरत है।
हिंदुस्तान को एक बार फिर से नए भारत का निर्माण करने की दिशा में मिशन 2000 रॉयल्टी ये जरूरत है। तो आज के प्रोग्राम में आए हुए सभी बहादुर साथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, और आपके इस अभिनंदन के साथ आज के प्रोग्राम का विराम देंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, रोजाना शाम को 8 बजे यूएस के प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई हमारे सीनियर लीडर, कोर लीडर आते हैं। आप लगातार आइए, अपनी पूरी टीम के साथ आइए। तो चलते हैं, मिलते हैं कल 8 बजे, और उसी नारे के साथ, हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण।